गाइस वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाली हूँ झारखंड के सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12 तक के लिए, जो जैक बोर्ड से रिलेटेड है। झारखंड में पहली बार कोरोना के माहौल में भी एक गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए आया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना काल के बीच छात्रों की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए 21,000 छात्रों को टैब दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 25 करोड़ खर्च करेगी ताकि छात्रों की ठप पढ़ाई बाधित ना हो, छात्र ई लर्निंग मटेरियल से पढ़ सकेंगे। छात्रों के लिए ये हेमंत सरकार की ओर से बहुत बड़ी मददगार होगी। एक साल तक इंटरनेट पैक दिया जाएगा, इसके साथ ही सिम कार्ड दिया जाएगा, टैब स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराई जाएगी सरकार के द्वारा। ये इंटरनेट पैक जो है, इसके साथ सिम कार्ड जो दी जा रही है, एक साल तक के लिए 2 GB डाटा होगी इस पे। और ये झारखंड बोर्ड के जितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स से लाभान्वित होंगे। और झारखंड के लिए 136 आवासीय स्कूल का चयन किया गया है, जो सरकार की तरफ से उनको ये तोहफा दिया गया है। उन्हें टैब दिया जाएगा, एक साल तक के लिए सिम कार्ड, 2 GB डेटा एंड उन्हें लर्निंग मटेरियल भी दिया जाएगा। तो ये झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।